नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने काफी ज्यादा सीटें हासिल करके यहां एक जीत का परचम लहरा दिया है और ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है। ऐसे में अब अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे क्योंकि कन्नौज से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत लिया और उसके बाद अब करहल की सीट खाली हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी सपा में हो सकती है और शिवपाल यादव भी कहते नजर आए थे कि अपर्णा यादव का हम अच्छे से स्वागत करेंगे अगर वो सपा में वापस आती हैं। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का भी नाम सामने आ रहा है। पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक हैं और ऐसे में देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी का गठबंधन किया था और उस लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पल्लवी पटेल की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट हासिल नहीं करी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का रुख कर सकती हैं और समाजवादी पार्टी से एक बार दोबारा से गठबंधन कर सकती हैं। पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद है स्टूडियो में। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शालिनी से सवाल रहेगा कि शालिनी ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर सिराथू की सीट अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के पास जो है वो अब पल्लवी पटेल उस पर दोबारा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि कन्नौज पर जीत के बाद अखिलेश यादव की जो करहल विधानसभा सीट खाली हुई है उसमें अपर्णा यादव का भी नाम आ रहा है और पल्लवी पटेल का भी आ रहा है। क्या लगता है कि किसको ये सीट अखिलेश यादव देना पसंद करेंगे? अगर अपर्णा यादव पार्टी में आ जाती है तो अपर्णा को मिलेगी या फिर पल्लवी को वो सीट देते हुए नजर आएंगे? देखिए मनीष, यहाँ पर अपर्णा यादव का लगातार जिक्र हो रहा है और अपर्णा यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी का रुख करती है, बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होती है, तो यहाँ पर अपर्णा यादव को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है समाजवादी पार्टी की ओर से। और ये भी कहा जा रहा है कि करहल की सीट पर, विधानसभा सीट पर अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जो दावे सामने आ रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को इस सीट से मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि एक वही ऐसे नेता हैं जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वो ना ही किसी भी सीट से विधायक है और ना ही किसी भी सीट से सांसद है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की बेटी के बेटी के पति है और यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव को करहल की सीट दी जा सकती है, पर इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन मनीष, पल्लवी पटेल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पल्लवी पटेल पहले से ही सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं और वो भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से। ऐसे में अगर पल्लवी पटेल दोबारा से समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं या दोबारा से गठबंधन करती हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो वो सिराथू विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती हैं। करहल सीट से उनका मैदान में उतरना, ये अभी हाल फिलहाल में इस तरीके के कोई बयान सामने नहीं आ रहे हैं। और अभी देखा गया कि कुछ दिन पहले, हालांकि एक या दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की ओर से ये बयान दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जितने भी नेता बागी हुए हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से इस्तीफा मांग लेते हैं सिराथू सीट से, तो ये कह सकते हैं कि पल्लवी पटेल कोई बड़ा फैसला लेती दिखाई दे, समाजवादी पार्टी का रुख करे, अखिलेश यादव से माफी मांगती दिखाई दे और हो सकता है कि फिर सिराथू सीट से इस्तीफा देकर वो करहल सीट से मैदान में उतर सकती हैं। पर अगर वो अगर समाजवादी पार्टी का दोबारा से रुख करती भी है तो वो सिराथू से ही चुनाव लड़ना जहां तक है उनके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि उन्होंने वहां पर जीत हासिल की है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं करहल और सिराथू के बीच में जो ये जंग चल रही है पल्लवी पटेल को लेकर कि पल्लवी पटेल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि 9 विधानसभाओं के अध्यक्ष जो है यहाँ पर सदस्य जो यहाँ पर विधानसभाओं के हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है और ऐसे में अब वो 9 की 9 सीटें खाली हो गई। 9 सीटों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कि अब यहाँ
उपचुनाव होने के बाद किसको वो जगह दी जाएगी। और ऐसे में जिस तरीके से शालिनी ने बताया कि सपा के जो भी विधायक या जो भी नेता इस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान बागी हो गए हैं, उन पर भी समाजवादी पार्टी कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएगी। तो शालिनी, मेरा सवाल दूसरा ये रहेगा कि क्या यहाँ पर गठबंधन के जो सहयोगी दल जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े और इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनसे अलग हो गए या बीच चुनाव में उनका साथ छोड़ दिया, तो उन पर भी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आएंगे या शिवपाल यादव कोई बड़ा उस पर एक्शन ले सकते हैं? देखिए मनीष, अभी जैसा कि मैंने बताया कि बयान सामने आया है और ऐसे में कहा गया है कि जो भी लोग लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बागी होते दिखाई दिए, जैसे यहाँ पर नाम आ जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, पल्लवी पटेल का, तो ये ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी में उन्हें एक अच्छा खासा औहदा दिया गया था, उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी कारण को दिखाते हुए समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं, जबकि उस समय अखिलेश यादव को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे में वो जब बिखर जाते हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव को जो कई सीटें हैं उन पर थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में अगर देखा गया पल्लवी पटेल ने जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतारे, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने का काम करते दिखाई दिए। अगर ऐसे में पल्लवी पटेल उनके साथ होती तो यहाँ पर जो नतीजे होते हैं वो, हालांकि वैसे तो समाजवादी पार्टी के लिए नतीजे काफी अच्छे आए हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है लोकसभा चुनाव में, लेकिन अगर पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ देते दिखाई देते तो यहाँ पर कुछ और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते थे। जहाँ समाजवादी पार्टी केवल 37 सीटें जीतती हुई दिखाई दी, हो सकता है कि ये जो सीटें हैं ये बढ़कर 40 से 45 भी हो सकती थी, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब नेताओं ने साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का, लोकसभा चुनाव के दौरान तो अखिलेश यादव ने कोई इस तरीके का बयान नहीं दिया, जो उनसे जो नेता हैं जो बागी हुए थे उनके खिलाफ उन्होंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने ये बयान दिया था कि जो रूठे हैं उनको मनाएंगे, तो ऐसे में तब वो उन्होंने रुख नहीं अपनाया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने जीत हासिल कर ली तो ऐसे में अखिलेश यादव के बयानों में अब जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी वो कोई बड़ा निर्णय लेती दिखाई दे सकती है मनीष। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी बड़ा निर्णय लेती हुई दिखाई सकती, तो यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को, 37 सीटें हासिल करके राज्य की या यूं कहें कि सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनी है लोकसभा चुनाव में। बीजेपी जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत का परचम लहरा चुकी है, उस बीजेपी को भी यहाँ पर सूबे में मुख्यमंत्री होने के बावजूद यहाँ पर बीजेपी का उसके बाद यहाँ पर परिणाम जो है उलट हो जाते हैं, और ऐसे में 33 सीटों से यहाँ पर बीजेपी को संतोष करना पड़ता है। तो अब अगला सवाल मेरा यह रहेगा शालिनी, कि जिस तरीके यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल हुई है, उसका विधानसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सक्रियता दिखाते हुए नजर आए हैं और परिणाम उनके फेवर में आते हुए दिखे हैं, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे? और जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ पल्लवी पटेल ने गठबंधन किया था और गठबंधन टूट भी गया, तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ दोबारा जब आएंगी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगी तो क्या उनके दोबारा बागी होने के यहाँ पर आसार नजर आ सकते हैं? क्या वो दोबारा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को छोड़ सकती हैं? क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आए उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम जो नेता उनसे अलग हुए हैं वो आने का उनकी पार्टी में उनके साथ प्रयास करेंगे और माफी भी मांगेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आई है कि माफी मांगनी पड़ेगी और यहाँ पर अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा, तो उस चीज को देखते हुए क्या लगता है पल्लवी पटेल का अगला रुख क्या होगा? क्या वो माफी मांगेंगी और माफी मांगने के बाद शामिल भी हो जाती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो दोबारा यहाँ पर गठबंधन तो नहीं तोड़ देंगी या दोबारा कोई बड़ा खेल तो नहीं कर देंगी? मनीष, ऐसा कहा जा सकता है कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, या यूँ कहा जाए कि जो अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए, समाजवादी पार्टी ने खुद भी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीट जीतती हुई दिखाई दे सकती है, अब जब नतीजे सामने आ गए तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो कह सकते हैं मनोबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उपचुनाव में भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे चेहरों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जाए जो जो सीटें हैं उपचुनाव की उन पर भी वो जीत हासिल करते दिखाई दे। आने वाले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ अखिलेश यादव
सीएम योगी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां देखा ये जा रहा है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सीएम की गद्दी को खो सकते हैं। यहां पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे सकते, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने उन्हें इस लोकसभा चुनाव में बहुमत दिया है, इस लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल की है, तो यहाँ पर जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताती हुई दिखाई दे रही है। और विधानसभा चुनाव में भी ये नतीजे जो सामने आएंगे मनीष, ये चौंका देने वाले ही होंगे। और ऐसे में बीजेपी को ये तय है कि कोई बड़ा झटका लगता दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की गलती भारतीय जनता पार्टी ने करी है, और यहाँ पर तमाम जो मुद्दे लेकर चलती हुई भारतीय जनता पार्टी आई, उसके साथ ही कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हुए ही यहाँ की जनता ने उनको यहाँ पर करारी हार दी है। और ऐसे में देखा जाए तो आंकड़ा जो है लगभग आधे का हो गया है, 62 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में, अब 33 सीटें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली में जो है वो कहीं ना कहीं कमी आती हुई नजर आई। और समाजवादी पार्टी ने उसका इस लोकसभा चुनाव में बखूबी फायदा उठाया है, और उस चीज को बखूबी उस पर काम करते हुए यहाँ पर तमाम वो चीजें की हैं जिससे यहाँ पर जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना वोट देने के बाद यहाँ से 37 सीटों पर विजयी बनाया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पल्लवी पटेल यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आएंगी, और पल्लवी पटेल वापसी करती हैं तो सिरादू से ही विधायक रहेंगी या फिर करहल की सीट उन्हें दे दी जाएगी। और अगर करहल की सीट पल्लवी पटेल को नहीं दी जाती और अपर्णा यादव यहाँ पर वापसी करती हैं बीजेपी के साथ, यहाँ पर धोखाबाजी करके यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आती है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? और अगर विधानसभा चुनाव पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई यहाँ पर योजना बनाती हुई नजर आई, तो क्या अगले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2027 में जब सूबे में विधानसभा चुनाव होंगे, क्या बीजेपी को दोबारा से एक बड़ा झटका लग सकता है? देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।